सत्य के साथ। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व एक ऐसा इलाका जिसके नज़दीक बसे गांवों में मानव जीव संघर्ष काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। पिछले कुछ सालों में जंगल में मौजूद हाथी ही एक ऐसा जानवर है जिसने जान माल ही नहीं खेतों की फसलों को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। विभाग ने इन सब की रोकथाम के लिए ज़रूरी कदम उठाते हुए सोलर फेंसिंग का इस्तेमाल किया। विभाग को लगा था कि अब शायद जान माल और फसलों की बर्बादी रुक सकेगी, मगर अपनी समझदारी के लिए जाने जाने वाला हाथी जैसे जानवर पर यह तरीका उतना कारगर साबित ना हो सका जितना विभाग ने सोचा था। कभी कुदरती हवाएं चलने या कभी फेंसिंग पर हाथी पेड़ को गिरा रास्ता बनाकर फसलों को तबाह कर देता था। आए दिन हाथियों के किए नुकसान से परेशानियां जस की तस मुंह बाए खड़ी थी। ऐसे हालातों के बीच डॉक्टर धीरज पांडे को बतौर डायरेक्टर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का जिम्मा मिला। जंगलों और उनमें रहने वाले जंगली जानवरों के मिजाज बखूबी जानने वाले डॉक्टर धीरज पांडे ने यहाँ मानव जीव संघर्ष से जुड़ी हर परेशानी को करीब से समझा। डॉक्टर पांडे के सामने अब चुनौती बड़ी थी, मगर जंगल को जानने के उनके तजुर्बे और विजन के सामने परेशानी का हल निकलना तय था। आखिरकार सटीक विजन के साथ एक पायलट प्रोजेक्ट बायो फेंसिंग कॉन्सेप्ट तैयार किया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत अब मधुमक्खियां हाथी को रोकेंगी। प्रोजेक्ट की शक्ल में खाका तैयार था, अब उसे अमली जामा पहनाया जाना बाकी है। तो रोकने के लिए एक हमारा इस बार एक पायलट प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया है, जिसका मेन उद्देश्य यह है कि कैसे बायो फेंसिंग के कॉन्सेप्ट को हम जो ह्यूमन एलिफेंट इंटरेक्शन है उसको कम करने के लिए हम यूज़ करें। तो बायो फेंसिंग यहाँ इसलिए शब्द हमने यूज़ किया क्योंकि इसमें हम बी हाइव्स को यूज़ कर रहे हैं इस फेंसिंग मटेरियल। तो उसमें करा यह जाएगा कि जो हमारे ऐसे फ्रिंज फॉरेस्ट एरियाज हैं जिन गांवों में हाथी ज़्यादा नुकसान करते हैं और खेती की फसलों का नुकसान करते हैं, आदमियों को भी कई बार घायल कर देते हैं, घरों को तोड़ देते हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में हमारा प्रयास ये रहेगा कि एरियाज आइडेंटिफाई करके जो हमारी स्थानीय EDCs हैं, इको डेवलपमेंट कमेटीज़ हैं, उनके माध्यम से हम ये बीहाइव फेंसिंग को वहाँ पर हम इंस्टॉल करें। सोलर फेंसिंग के बाद अब बीहाइव फेंसिंग हाथियों की रुकावट बनेगी। बीहाइव फेंसिंग यानी वो फेंसिंग जिसमें खंभों पर मधुमक्खी के छत्ते वाले डिब्बे लगाए जाते हैं। इस फेंसिंग के लगने के बाद हाथी फसल बर्बाद करने की मंशा से अगर रुख करेगा तो उसे मधुमक्खियों के डर से रास्ता बदलने पर मजबूर होना पड़ेगा। किसी न किसी फॉर्म में विदेशों में, खासकर साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर जो अफ्रीकन एलिफेंट्स हैं उनको रोकने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। उसी को हमने थोड़ा सा ट्वीक करके, थोड़ा सा टेलर मेड करके इस क्षेत्र में किस तरीके से हम उसको प्रयोग कर सकते हैं, तो वो एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो ढेला और सावलदे वाला क्षेत्र है हमारा, वहाँ हम पहले इसको लॉन्च कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारी प्राथमिक बैठकें हो चुकी हैं EDCs के माध्यम में, EDCs से डिस्कशन हो गया है। उनके जो सदस्य हैं, जो उनके अध्यक्ष हैं, सभी ने बहुत रुचि दिखाई है इसमें। इतना ही नहीं, बीहाइव फेंसिंग का दूसरा मकसद इको विकास समिति को मधुमक्खी से प्राप्त शहद से आय के स्रोत मुहैया कराना भी है। EDC के माध्यम से जो शहद बेच के या अन्य स्रोत, वैसे तो पहला स्रोत हमारा शहद का ही है, बाकी विभाग से भी पैसा मिलता है, तो जो शहद बेच के जो भी आय हमें होगी उससे महिलाओं को हम रोज़गार देंगे। सबसे पहला जो है वो सिलाई बुनाई कढ़ाई का करते हैं, और दूसरा क्या है कि गांव में अधिकतर महिलाएं पशुपालन का करती हैं, तो हमारी प्राथमिकता है कि उनको पशु में जो है हम EDC की तरफ से कुछ पैसा उपलब्ध कराएंगे। मधुमक्खी को फसल के लिए पॉलिनेशन यानी परागण का भी अच्छा स्रोत माना जाता है। मधुमक्खी पालन से फसल की उत्पादन क्षमता में भी बढ़ोतरी होती है, इसलिए डायरेक्टर धीरज पांडे के इस प्रोजेक्ट को विभाग भी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देख रहा है। सत्य के साथ।